Assalamu alaikum, this is Aksa Mahmood and welcome to my channel. Today's video is all about unboxing of baby fruit pacifier. आज से 2 से 3 माह पहले आई डिडंट नो कि ये पैसिफायर भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ना ही मैंने ऐसी पैसिफायर को आज से पहले लोकल शॉप्स में कहीं देखा है। तो मैंने ऑनलाइन इसको सर्च करना शुरू किया, डिफरेंट फेसबुक पेजेस वगैरह पर ये सेल हो रही थी, सबने अपने अपने प्राइस लगाए हुए हैं, कोई 400 की दे रहा है, कोई 450 की दे रहा है, कहीं कहीं पे 500 तक की ये पैसिफायर है, डीसी चार्जेस अलग 250 है। तो इतनी महंगी पैसिफायर देखकर मैंने इसको लेने का इरादा तर्क कर दिया था। पैसिफायर भी सर्च की डिफरेंट यूट्यूब डिफरेंट फेसबुक चैनल पर, लेकिन ना वो इतनी महंगी थी, 500 की पैसिफायर और फिर 200-100 जो डिलीवरी चार्जेस, 600 के सिर्फ एक पैसा। मैंने इस आइडिया से पहले हरीम की जो ये, बट कुछ दिन पहले मुझे मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ तो बेबी शॉप पर मुझे ये पैसिफायर रखी हुई नजर आई। ऊपर बहुत सारी गर्द जमी हुई थी, उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये कोई नहीं लेता या किसी को इसके बारे में पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कुछ दिन पहले, लेकिन जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है, इट्स अ वेरी यूजफुल आइटम। हैंडलिंग बहुत आसान है, वॉशिंग बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात, बच्चे को नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत आसानी हो रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये है जी बेबी स्प्रिंग ब्रांड का, आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है BPA फ्री। BPA इज अ बाइस्पनोल ए जो डिफरेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो, इट इज हार्मफुल स्पेशली फॉर किड्स। BPA एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में पहले ज्यादा यूज होता था, लेकिन जब से इसके हार्मफुल एस्पेक्ट नजर आए हैं तो तब से BPA केमिकल यूज नहीं किया जाता। खास तौर पे अगर आप कोई बेबी से रिलेटेड आइटम्स ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉटल्स, स्पून, फीडिंग आइटम्स वगैरह, तो ये मेक श्योर कर लें कि वो BPA फ्री हो। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है 0M+। आई थिंक इट मीन्स 0 मंथ से स्टार्ट होता है, बट इसका निपल का साइज इतना बड़ा है कि 0 मंथ का बेबी। उसके बाद है जी नो स्मेल। इसको पलटने पर यहाँ लिखा हुआ है बेबी स्प्रिंग सीरीज प्रोडक्ट्स आर सेटिस्फाइड विद द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड द FDA। मीन्स के बेबी स्प्रिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, हेल्थ के हवाले से भी और सेफ्टी के हवाले से भी। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट शुड डबल चेक बिफोर ईच यूज सच एज एनी डैमेज टू द साइंस, प्लीज इमीडिएटली डिस्कार्डेड, नीड टू यूज अंडर एडल्ट सुपरविजन। हर इस्तेमाल के बाद आपको डबल चेक करना है, कोई भी डैमेज है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें और किसी बड़े के ही सुपरविजन में इसको यूज करना है। जाहिर है मदर ही इसको यूज करेगी अपने बच्चे के लिए। उसके बाद जी मुश्किल वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रेव न्यू टैरिक, इतनी डेप में जाना आई थिंक काफी है, बस मेड इन चाइना, सब माल चाइना का है। अच्छा जी, बहुत बातें हो गई, अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करते ही जो चीज़ हाथ में आई है, वाकई में इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैप है जी इसके साथ, उसके बाद अंदर हमें निपल नजर आती है। निपल की अगर मैं बात करूं तो मुझे निपल का साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन जाहिर है इसके अंदर फूड आइटम डलेगा तो इसीलिए आई थिंक कैपेसिटी थोड़ी बड़ी बनाई है। निपल्स में छोटे छोटे होल्स हैं जिसके थ्रू फूड पार्टिकल का जो जूस है वो डायरेक्ट बेबी के माउथ में जाएगा। उसके बाद है जी इसका सबसे इंटरेस्टिंग और मेन पार्ट, जहां से इसको खोलते हैं और उसमें कोई भी फूड पार्टिकल्स डालते हैं। खास बात इसकी ये है कि निपल इसकी निकल जाती है, वॉशेबल है, स्टरलाइज कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी, क्योंकि जाहिर है बेबी प्रोडक्ट है तो बेबीज जो हैं वो फेंकते हैं, इधर उधर गिराते हैं, तो टूटने का खतरा होता है, बट इसमें इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट।
अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। मैंने बताया था कि कहीं पे 400 की है, कहीं पे 450 की है, कहीं पे 500 की भी है। मुझे ये लोकल मार्केट से सिर्फ 180 की मिली है, कोई डीसी चार्जेस नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बाय दिस प्रोडक्ट। वैसे मैंने होममेड पैसिफायर भी बनाकर दिखाया है, देखना चाहें तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।